The therapist is Dr. Sanford Unger, a psychologist trained in the treatment of mental disorders. गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हो रहे हैं 8 सुबह के और आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को वैसे मैं ट्यूसडे को तो बैक एंड डेडलिफ्ट वगैरह करता हूँ, बट बेंच में आज मैं पीआर टेस्ट करने वाला हूँ। कल करता मंडे को, बट मंडे को नींद पूरी हुई नहीं थी इसलिए आज ट्यूसडे कर रहे हैं। वेडनेसडे और थर्सडे को करूँगा मैं स्क्वाट्स में टेस्ट करूँगा पीआर। उसके बाद फिर वीडियो लगभग वही थर्सडे या फ्राइडे तक आएगी एंड देखते हैं, एडिटर पे डिपेंड करता है। मेरा एडिटर खड़ा है पीछे कैमरे के तो चलो मैं बेंच में दिखा देता हूँ मैं क्या क्या मैं सब दिखाऊंगा, कौन कौन सी मूवमेंट्स करता हूँ बेंच करने से पहले। मतलब इन्फॉर्मेशनल वीडियो ही समझ लो इसको, और पीआर टेस्ट होगा ही। वीडियो लंबी जाएगी, आई डोंट नो कितनी लंबी जाए, 10 मिनट 15 मिनट, बट ठीक है। इसमें मैं दिखा दूंगा कि मैं स्क्वाट से पहले, बेंच से पहले कैसे वार्म अप करता हूँ, कैसे लैट शोल्डर जो भी है ये सब कैसे इंगेज करता हूँ सही से। चलो तो सबसे पहली एक्सरसाइज मोबिलिटी के लिए और थोड़े शोल्डर के लिए, शोल्डर को वार्म करने के लिए ये करता हूँ, ये वाली एक्सरसाइज। इसका नाम नहीं पता मेरे को तो और दूसरा मैं करता हूँ शोल्डर प्रेस, जैसा होता है ये केबल में ऐसे तो ये दूसरी एक्सरसाइज जो मैं किया शोल्डर प्रेस जैसा, वो मतलब काफ़ी उससे शोल्डर फ्री होता है। नॉर्मल शोल्डर प्रेसेस नहीं है ये, थोड़ा सा आपकी स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है, इसलिए ये मैं करना प्रेफर करता हूँ बेंच से पहले। थोड़ा सा लैट्स ऑन करूँगा, लैट कूल डाउन वो आप लोगों को पता ही है, लैट कूल डाउन ऐसे करते हैं, एंड देन बेंच से स्टार्ट करूँगा मैं दिखाऊँगा। अभी 110 किलो मारा मैं, और 110 किलो काफ़ी इजी लगा। और इस जिम में खैर 110 ही मार रहा हूँ मैं हाईएस्ट, इससे पहले मार चुका हूँ 115, वो दूसरे जिम में था। इस जिम में 115 मेरा फेल होता है हमेशा, तो अगर मैं 115 नहीं मार पाया तो आप लोग को दिखाएंगे 115। मैं नहीं मारूंगा तो कैफ मारेगा मेरा रूममेट मार दूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, लड़का सीख रहा है भी, नया नया है, सिखा दूंगा मैं। 115 दिखा के देंगे, लेकिन आप 1.5 महीने में भाई 115 की बेंच मारेगा। और चलो फिर देखते हैं, रिकॉर्ड बनाना है। तो 115 किलो चला गया है बेंच, अच्छा गया, ठीक था, थोड़ा सा रुक के गया पता है मेरे को, और 120 में नहीं जाऊंगा मैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ।
और इसके बाद आई थिंक ये मेरा बेंच का लास्ट या सेकंड लास्ट सेशन होगा कॉम्पिटिशन से पहले। तो अभी मैं बैकडाउन लूँगा 100 kg 95-90 जो मेरे को सही लगेगा, तो चार पाँच रन ऐसे करके मैं दो तीन सेट लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इंक्लाइन करूँगा एंड ट्राइसेप करके फिर फिनिश करूँगा मेरे को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज थर्सडे है और ट्यूसडे को हम किए थे बेंच का पीआर, आज थर्सडे को लेग का करेंगे, स्क्वैट्स करने वाले हैं। 100 rep मैक्स टेस्ट करूंगा मैं और अभी 7:30 हो रहे हैं सुबह के, तो चल। तो बार पे अभी 150 kg है और मैं इस वेट से अपना बेल्ट और नीस्लीव यूज़ करना चालू कर देता हूँ। तो मेरे पास नीस्लीव 1 RM का है, वैसे ये मैं लिया था अराउंड 8 महीने पहले लेकिन ये 3 महीने में ही फट गया है, अभी भी फटा ही हुआ है, तो इसी से काम चलाते हैं और देखते हैं फिर कैसा आता है सेट। 165-160 तो जाना चाहिए, 170 का ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था फोर्क से, टी शर्ट आ गया है और मनोज भैया कैसा लग रहा है टी शर्ट? क्वालिटी अच्छा नहीं है? दूर जाओ। और कैफ बॉडी बनाना रह गया है, बाकी टी शर्ट आ गया है। तो बताओ तुम लोग कैसा लग रहा है टी शर्ट? अबे लाइक कमेंट करके बताना, ऐसे नहीं बताना, लाइक जरूरी होना चाहिए, कमेंट भी होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो स्क्वैट को कंप्लीट करते हैं। 150 का अच्छा आया, थोड़ा सा हार्ड था पर ठीक था और मैं इस टी शर्ट में नहीं करूंगा, ये इसका मटेरियल थोड़ा ऐसा सिंथेटिक जैसा है, बाहर क्या होता है स्लिप होता है, मैं हमेशा कॉटन की टी शर्ट में प्रेफर करता हूँ स्क्वैट करना। और चलो फिर का स्क्वैट हो गया है और अभी 170 ट्राई करूंगा। 170 थोड़ा सा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लगे, 165 ठीक या डिसेंट था। और आज वैसे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज जो मेरा वीडियो बनाता है आर्यन करके लड़का है, एक फ्रेंड है मेरा, वो आया नहीं है, तो मैं मतलब किसी को कैमरा दे रहा हूँ, कभी किसी को दे रहा हूँ, तो ऐसे करके इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, बस लिफ्ट लिफ्ट के वीडियो दिखा रहा हूँ और बाकी कंटिन्यू करते हैं। 170 का स्क्वैट लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर कोई बात नहीं, देखते हैं। 5 kg का इंक्रीज तो वैसे आ गया है, 1 महीने से ट्रेन कर रहा हूँ, 5 kg बढ़ गया इस बात है। 160 था मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड, अब 165 है, 170 ट्राई करते हैं, वो फुली आ जाना चाहिए।
स्क्वाट कंप्लीट हो गया है। मैं सोच के आया था 165 करूंगा क्योंकि मेरा प्रीवियस पीआर था 160 का, 165 हो गया, 170 हो गया, 175 हो गया, तो आज मतलब लाइक पावरफुल फील कर रहा था और सही से गया। डेप्थ का थोड़ा इशू हो सकता है, कंपटीशन लेवल का डेप्थ नहीं था, बट इतना मैं कंपटीशन में करने वाला भी नहीं हूँ। मैं कंपटीशन में टारगेट किया हूँ मैक्स टू मैक्स 155 जाऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर जाना लाइक कंपटीशन भी नहीं है और बेवकूफ़ी होगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर जाएंगे कंपटीशन में। एंड ठीक है, 15 kg इंक्रीज़ आ गया, मतलब 1.5 महीने ट्रेन किया मैं। और मेरा स्ट्रेंथ प्रोग्राम है वो मैं अपने स्टेट होने के बाद वो मैं डालूंगा, तो वो सब चेकआउट कर लेना। और अभी वर्कआउट ख़त्म हो गया है, आज वीडियो बनाने में भी बहुत इशू हो रहा था, लाइक रिकॉर्ड करने में जो रिकॉर्ड करने के लिए जो लड़का आता है वो आया नहीं, और बाकी मैं ऐसे दूसरों से दिख कर आया तो थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत था। तो बेंच का और स्क्वाट का दोनों ट्रेनिंग अपन कर लिए, बेंच में भी पीआर आया, स्क्वाट में भी पीआर आया, और नेक्स्ट अपन डेडलिफ्ट करेंगे तो उसका शायद मैं वीडियो डालूँ या ना डालूँ। और फिलहाल रेस्ट रहेगा, इसके बाद मैं एक एक सेशन करूंगा सबका, बेंच स्क्वाट और डेड का। 23 को कंपटीशन है और फिर रेस्ट करूंगा, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह के 8 हो रहे हैं और आज